बताया जाता है कि अमरोहा लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है वो मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर के बाद में जो दूसरे जो जातियां हैं, दूसरे जो लोग हैं वो आते हैं, और यहाँ का वोटर का जो मन है वो अभी एक तरीके से एकदम खुला नहीं है कि किसके साथ में हमें जाना है। मेन चहुमुखी विकास, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी मुद्दा है, वही मुद्दे रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी मींस बहुजन समाज, सभी के साथ में तालमेल बिठाकर चहुमुखी विकास। मुद्दे सब जो है जनता इंतजार कर रही है, किसानों किसान बेहाल हैं, नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, तो देश की जनता, अमरोहा की जनता इंतजार कर रही है वोटिंग का। अपना गुस्सा आने वाली 26 तारीख को इंडिया गठबंधन को जिता करके अपना गुस्सा निकाले। नमस्कार, आज गेम्स ऑफ गद्दी में आपको अमरोहा का समीकरण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं अमरोहा से कांग्रेस प्रत्याशी और बीएसपी सांसद दानिश अली का लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने दानिश अली की गाड़ी पर चढ़कर विरोध किया, ये तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दानिश नौगावा तहसील के एक कस्बे में पहुंचे हुए थे, इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। 2019 में दानिश अली बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जीते और मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते बीएसपी ने उन्हें निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी हैं। लेकिन किस तरीके से अमरोहा में दानिश अली का लोगों ने वहां पर विरोध किया, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गेम्स ऑफ गद्दी में अमरोहा के सियासी विश्लेषण की बात करते हैं। क्या इस शहर की खासियत और यहां की सियासत कुंवर दानिश अली को चुनकर फिर भेजेगी क्या जनता, या फिर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर पर जनता 2014 की तरह जताएगी भरोसा, या फिर बीएसपी 2019 की तरह एक बार फिर यहां पर खेला करेगी। देखिए, जॉन एलिया और कमाल अमरोही के शहर अमरोहा की सियासी नब्ज इस बार क्या कह रही है। तो अमरोहा से इस वक्त जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली हैं, 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। बीएसपी से कुंवर दानिश अली, जिनकी तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं, कुंवर दानिश अली वो यहां पर बीएसपी से जीते थे और बीएसपी से जीत उन्होंने हासिल की थी। अब यहां पर इस बार बीएसपी से हटाए जाने के बाद, निकाले जाने के बाद, वो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी इसे उन्होंने ज्वाइन की है और गठबंधन के यहां पर प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश अली। अब यहां पर अमरोहा का जो सियासी मुकाबला है वो यहां पर काफी दिलचस्प भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह कि पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते उन्हें निकाल दिया गया था, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अगर अमरोहा सीट पर मुकाबले की अगर हम बात करें तो मेन मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच इस बार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, जो कि मैदान में हैं। '57 से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव में अमरोहा के नतीजे चौंकाने वाले ही रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर करीब 17 चुनाव हो चुके हैं, हर बार मतदाताओं ने चौंकाने वाले परिणाम ही दिए हैं। 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर सभी दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी ने जहां चौधरी कंवर सिंह तंवर पर दांव खेला है, वहीं इंडिया गठबंधन ने यहां से सांसद कुंवर दानिश अली को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है।
2019 के चुनाव में यह सीट महागठबंधन में बीएसपी के खाते में गई थी। कुंवर दानिशअली करीब 60,000 वोटों से जीते थे, लेकिन बीएसपी ने दानिशअली को पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निष्कासित कर दिया था। इस लोकसभा चुनाव में कुंवर दानिशअली ने कांग्रेस का दामन थामा और अब महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। मुद्दे सब जो है जनता इंतजार कर रही है, किसानों किसान बेहाल हैं, नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, तो देश की जनता अमरोहा की जनता इंतजार कर रही है वोटिंग का। अपना गुस्सा आने वाली 26 तारीख को इंडिया गठबंधन को जिता करके अपना गुस्सा निकालेगी। बीजेपी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर पर दांव खेला है। हालांकि वो 2019 के चुनाव में कुंवर दानिशअली से हार गए थे, लेकिन 2014 में कंवर सिंह तंवर ने अमरोहा से चुनाव जीता था। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि जनता पीएम मोदी के विकास के काम पर उन्हें जिताएगी। और माननीय मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उनके साथ जो भी हमारा क्षेत्र का काम होगा माननीय मोदी जी सबसे आगे ही रहते हैं। आज बड़े बड़े हाईवे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो बहुत बड़ा हम तो धन्यवाद मोदी जी को देंगे कि आज चारों तरफ विकास है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी भरोसा जताया है कि अमरोहा की जनता समझदार है। वो इंडिया गठबंधन की फूट डालो शासन करो की नीति नहीं बल्कि विकास के साथ आएगी। हमारी पार्टी विकास के मुद्दे के साथ और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उस काम के लेकर लेखा जोखा लेकर रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव में है। और मुझे विश्वास है और जिस प्रकार की परिस्थिति है उन परिस्थिति के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग जुड़कर माननीय मोदी जी का संकल्प पूरा करेंगे। बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका कहना है कि पिछड़े और दलित की आवाज उठाने वाली बहुजन समाज पार्टी का मकसद ही समाज के हर तबके का विकास और उन्हें आगे बढ़ाना है। मेन चहुमुखी विकास जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी मुद्दा है, वही मुद्दे रहेंगे। सामाजिक विकास बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मींस बहुजन समाज सभी के साथ में तालमेल बिठाकर चहुमुखी विकास जो बुनियादी जरूरतें होती हैं शहरी क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की, उन्हीं पे फोकस करके काम किया जाएगा। 3 बार बदले परिसीमन के बीच 67 साल में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के वोटरों का कुनबा 17 लाख के पार पहुंच गया। अमरोहा में वोटर्स की संख्या की बात करें तो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें 9,06,779 पुरुष वोटर हैं और 8,06,318 महिला वोटर की संख्या है। अमरोहा के जातिगत आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। यही वजह है कि अमरोहा कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स यहाँ प्रत्याशी की हार जीत पर काफी असर डालते हैं। बताया जाता है कि अमरोहा लोकसभा में सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर के बाद में जो दूसरे जो जातियां हैं, दूसरे जो लोग हैं वो आते हैं। और यहाँ का वोटर का जो मन है वो अभी एक तरीके से एकदम खुला नहीं है कि किसके साथ में हमें जाना। अमरोहा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जिसके बाद जाट, दलित, सैनी, ठाकुर, वैश्य और ब्राह्मण आते हैं। बाकी अलग अलग जातियों के भी वोटर्स हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें है गढ़मुक्तेश्वर, धनौरा, नौगावा सादात, अमरोहा, हसनपुर। अमरोहा के आम और रूह मछली के नाम पर अमरोहा पड़ा, जिसके बाद अमरोहा की पहचान बनी। अमरोहा की पहचान देश भर में ढोलक से जानी जाती है। बीजेपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ढोलक को रखा गया है। आम और ढोलक के लिए मशहूर अमरोहा में कभी किसी भी राजनीतिक दल का ये गढ़ नहीं रहा है। शिवोम शर्मा, न्यूज 18, अमरोहा। अगर अमरोहा सीट पर मुकाबले की बात करें तो मेन मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच में है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन ने प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली पर भरोसा जताया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन अमरोहा से सियासी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 5 विधानसभा इसमें आती हैं। इनमें गढ़मुक्तेश्वर, धनौरा, नौगावा सादात, अमरोहा और हसनपुर, ये 5 विधानसभा सीटें हैं जो इस अमरोहा के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। गढ़मुक्तेश्वर, धनौरा, नौगावा सादात, अमरोहा और हसनपुर, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं जो अमरोहा की लोकसभा क्षेत्र में यहां पर आती हैं। और 5ों विधानसभाओं में 2022 के चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो धनौरा विधानसभा सीट पर ये कुल वोटर जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, कास्ट फैक्टर मुस्लिम 28.5%, दलित 20%, सैनी 9%, यादव 3%, ब्राह्मण 3.2%, जाट 14%, गुर्जर 2%, वैश्य 3.9%, ठाकुर 3%, अन्य जाति 8%। ये ओवरऑल कास्ट का सिनेरियो है अमरोहा लोकसभा सीट का। अब जो है जनता इंतजार कर रही है, किसानों किसान बेहाल हैं, नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, तो देश की जनता, अमरोहा की जनता इंतजार कर रही है वोटिंग का। अपना गुस्सा आने वाली 26 तारीख को इंडिया गठबंधन को जिता करके अपना गुस्सा निकालेगी। और माननीय मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जो भी हमारा क्षेत्र का काम होगा माननीय मोदी जी सबसे आगे ही रहते हैं। आज बड़े बड़े हाईवे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो बहुत बड़ा हम तो धन्यवाद मोदी जी को देंगे कि आज चारों तरफ विकास है। मैं चहुमुखी विकास, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी मुद्दा है, वही मुद्दे रहेंगे। सामाजिक विकास बहुजन समाज वादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मींस बहुजन समाज, सभी के साथ में तालमेल बिठाकर चहुमुखी विकास, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की, उन्हीं पर फोकस करके काम किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, और अमरोहा की अगर हम बात करें तो दानिश अली वहां पर बीएसपी से लड़े और 6 यहां पर काफी वोट, वो 6 लाख से ज्यादा हासिल वोट किए थे उन्होंने। कंवर सिंह तंवर ने 5,37,834 वोट यहां पर हासिल किए और 12,510 वोट सचिन चौधरी को मिले थे। ये यहां पर फिगर निकल कर सामने आ रहे हैं। कंवर सिंह तंवर यहां पर 5,28,2014 के आंकड़े हैं जब वो जीत हासिल किए थे बीजेपी से। तब हुमैरा अख्तर समाजवादी पार्टी की 3,70,666, फरहत हसन बीएसपी से 1,62,983। ये यहां पर पूरा मामला फिगर्स जो है निकलकर अब तक सामने आई है। अमरोहा संसदीय सीट पर कभी किसी भी दल का दबदबा नहीं रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इलाके में जितना विकास मोदी सरकार के राज में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। सड़कों का जाल बिछने से अमरोहा का तेज रफ्तार के साथ विकास हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे बना, वहीं बिजली में भी सुधार हुआ, कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा बेहतर हुई है, खेल का मैदान स्टेडियम बनकर तैयार हुए हैं। वहीं महिला सुरक्षा के मामले में भी अमरोहा में अब काफी बेहतरी नजर आ रही है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का जहां तक अमरोहा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था जो सुधरी है अमरोहा की, क्योंकि चाहे वो महिला हेल्प डेस्क हो, पुलिस प्रशासन के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की बात भी की हो, तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है और इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उससे महिला सुरक्षा अपनी महसूस भी कर रही हैं, क्योंकि अगर कोई भी किसी को मतलब गलत निगाह से नहीं देख सकता तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी इस चीज का जो इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है कि महिला कह रही है कि हाँ ये अच्छा है।
स्थानीय लोगों का मानना है कि अमरोहा में जितने काम सांसद ने नहीं करवाए उससे ज्यादा निकाय स्तर पर हुए। ऐसे में अमरोहा में स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार के लिए नए काम धंधे, ट्रामा सेंटर यूनिवर्सिटी बने, नए उद्योग लगाए जाए, बिजली सप्लाई और बेहतर हो, नए हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बने, नए प्राथमिक स्कूल और कॉलेज बने। अमरोहा में विकास के कामों को लेकर जानकारों का मानना है कि पिछले 10 सालों में अमरोहा में जो काम हुआ वो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। मोदी सरकार में अमरोहा में जो काम हुए वो नजर आते हैं। वर्तमान में चुके अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली भी मैदान में हैं, जो गठबंधन प्रत्याशी हैं। उनका भी कहना है कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने भी बड़े काम किए हैं और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव एक तरह से संविधान बचाने का चुनाव दानिश अली जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता, चूंकि देश में कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। इस मुद्दे को हमें मानना तो पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है, वो चाहे सड़कों का रहा हो, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, विकास हुआ है। आम और ढोलक के लिए मशहूर अमरोहा में कभी किसी भी राजनीतिक दल का कर नहीं रहा। वैसे तो इस शहर को कमाल अमरोही और जॉन एलिया जैसे दिग्गज साहित्यकारों की धरती भी कहा जाता है। अब देखना यह है कि इस बार अमरोहा में जनता का मूड क्या है, क्या वो दोबारा दानिश अली को चुनते हैं या फिर 2014 की तरह कंवर सिंह एक बार फिर अमरोहा से कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे। दो हजार चौदह में भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। चौधरी कमर सिंह कमल ने समाजवादी के हुमैरा अख्तर को यहाँ से हराया था। उसके 2019 में महागठबंधन के कारण जो गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली थे उन्हें यहाँ से जीत हासिल की थी और भाजपा के लगभग 60,000 वोटों से चौधरी कमर सिंह तंवर को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वहीं अब गठबंधन के चलते कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, तो वहीं सिटिंग एमपी दानिश अली को भी इस 2024 में मैदान में उतारा है। अब भाजपा भी ने अपने तीसरी बार चौधरी कमर सिंह तंवर पर दाव लगाया है। अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो जनता किस प्रत्याशी को दिल्ली भेजती है। शिवम शर्मा, न्यूज 18 अमरोहा। और अब बात कर लेते हैं अमरोहा के मुद्दे की, क्या सोचती है वहां की जनता। नए मुद्दे जो हैं क्या हैं, रोजगार, नए रोजगार का मसला है, काम धंधे, ट्रामा सेंटर, यूनिवर्सिटी, नए उद्योग, फैक्ट्री, बिजली सप्लाई, नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नए प्राथमिक स्कूल और कॉलेज, ये मुद्दे हैं जो इस बार बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर अमरोहा की सियासत में होने वाले हैं। और अमरोहा में लोगों का मानना है कि मोदी राज में यहाँ पर काफी विकास हुआ है। विकास के क्या मुद्दे हैं, आइए उनसे जानते हैं। सड़कों का जाल, गंगा एक्सप्रेसवे, बिजली में सुधार, कानून व्यवस्था, खेल का मैदान, नए स्टेडियम, महिला सुरक्षा, ये तमाम मसले हैं जिस पर ये पूरा लोकसभा का चुनाव इस बार केंद्रित रहने वाला है। अब दहलीज पर है लोकसभा का चुनाव, इसलिए पूरी शिद्दत से चला जा रहा है हर सीट पर दाव। बीजेपी का नारा है 400 पार, इसलिए कोई रिस्क नहीं इस बार। यूपी की 80 सीटों पर रण, क्या है अमरोहा का समीकरण, किसके लिए संकट है विकट, ये सवाल है सभी जुमा पर। नमस्कार, मैं हूं शिवम शर्मा, आया हूं अमरोहा में लोकसभा के चुनाव की समीकरण जानने के लिए। मेरे साथ है अमरोहा के लोग, अमरोहा के लोग मेरे साथ हैं, समीकरण बताएंगे और क्या है इनका जनता का मूड। एक बार आप सबको अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा। क्या कहते हैं जो आप लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर, किन विकास को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं, मगर फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहिबान ने काम करा है, वो किसी भी नेता ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, चाहे वो लाइट का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, किसी भी विकास कार्य को देखिए आप, सांसद जी से मिलाइए और चेयरमैन से मिलाइए, फिर भी सांसद जी ने वो काम नहीं किया जो हमारी नगर पालिका चेयरमैन साहिबान ने काम किया है। शहाबुद्दीन बात कर रहा हूँ, नहीं इसमें विकास हुआ है और काफी हद तक हुआ है, सबके सामने है, ऐसा नहीं है कि कोई आंखें बंद करे हुए है, और विकास सड़कें भी हुई हैं, लाइटें भी लगी हैं, और ये देखना है तो रात में देखें, पूरी ये समझ लीजिए रोड से लेकर जो संसद जी का काम है उससे भी ज्यादा किया है, नगर पालिका ने जो काम किया है वो संसद जी के काम से भी ज्यादा किया है, और हर तरीके से हर जगह जो भी जाता है तो उसके काम में आती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उनके घर जा रहा है या कोई बात अगर किसी को है तो आधी रात को भी जो है सब जो है वो साथ खड़े हैं, सब लोग अपने साथ हैं। क्या सच है बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश में 80 पार,
और 400 पार 80 का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश पूरा मानते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सच है, आपके 400 पार है, ऐसा नहीं है। तो मोदी जी ने तो काम कराए हैं, गरीबों को घर दिए, 2.5 लाख रुपए दिए, आयुष्मान कार्ड बनाया, ऐसा नहीं, सब काम करे हैं। और यहाँ से आपके इंशाल्लाह सांसद तंवर जी निकलेंगे, यहाँ से बहुत मार्जिन से निकलेंगे आपके। किन मुद्दों को लेकर सोच कर वोट करोगे, जो और पार्टियां भी हैं, इंडिया गठबंधन कितना असर दिखाएगा? असर तो सब पूरा ही है, आप देखिए जितना काम कराया किसी हिंदुस्तान में, आप देख लीजिए सब जगह देख लीजिए कितना काम विकास हुआ है, सड़कें देख लीजिए, आप जाके आज दिल्ली देख लीजिए, 2 घंटे बजता आज जो है। अमरोहा के सांसद दानिश अली, उन्हें फिर द्वारा गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया, कांग्रेस को सीट गई है इंडिपेंडेंट में, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, दानिश अली जी 5 साल सांसद रहे लेकिन किसी ने उनकी सूरत नहीं देखी, विकास का कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। कंवर सिंह तंवर जी ने जो कोरोना काल में विश्व स्तरीय जो है महामारी फैली थी, उस दौर में भी कंवर सिंह तंवर ने अपनी जेब से 60 लाख रुपए ला के समझे प्लांट लगाया, उसका ऑक्सीजन प्लांट, और हर वर्ष 151 बेटियों की शादी कराते हैं, वो भी किसी बिना भेदभाव के, उसमें हिंदू भी होती हैं, मुस्लिम भी होती हैं। क्या क्या लग रहा है, विकास हुआ है अमरोहा में? विकास जी, विकास तो हुआ है और लगभग लगातार हो ही रहा है, क्योंकि मैं युवा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं विपक्ष के नेताओं का भी बयान सुन रहा हूँ और सरकार के नेताओं के भी बयान सुन रहा हूँ। उनका मैंने आज घोषणा पत्र पढ़ा, कांग्रेस पार्टी का जो उन्होंने ऐलान किया है, उसमें वो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और हम सरकार की बात करें तो वो बात कर रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित करने की, तो ये स्पष्ट हो जाता है उनकी राजनीति केवल बांटो और राज करो वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो केवल विकास की राजनीति है, वो विश्व स्तर पर भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। शब्द भी नहीं है कुछ कहने के लिए, मैं इतना ही कहूंगा, इस बार 400 पार, तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना मुद्दा है, ना उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं। नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय काम किया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।